हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनियारी देवी मंदिर के मेले में भंडारे और छबील का आयोजन किया गया। वही मेले के दौरान इस चिलचिलाती धूप में लोगों ने ठंडे पानी का ही नहीं बल्कि भंडारे में खीर और चने का भी खूब आनंद उठाया। इलाके के सभी गांव वासियों ने मिलकर भंडारे और छबील में सहयोग दिया। यहाँ तक कि लोग छबील के ठंडे पानी की बोतलें भरकर घरों को भी लेते नजर आए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झनियारी देवी मंदिर के मेले में भंडारे और छबील का आयोजन किया गया। वही मेले के दौरान इस चिलचिलाती धूप में लोगों ने ठंडे पानी का ही नहीं बल्कि भंडारे में खीर और चने का भी खूब आनंद उठाया। इलाके के सभी गांववासियों ने मिलकर भंडारे और छबील में सहयोग दिया। यहां तक कि लोग छबील के ठंडे पानी की बोतलें भरकर घरों को भी लेते नजर आए। युवक मंडल के प्रधान नीरज शर्मा ने बताया कि गांव के पूर्वजों ने 1928 में छबील लगाना शुरू किया था। तब से गांववासियों के सहयोग से हर वर्ष झनियारी माता देवी के मेले के उपलक्ष्य पर ठंडे पानी की छबील लगाई जाती है। इस पर उन्होंने ठंडे पानी की छबील के साथ साथ खीर व चने का भी भंडारा लगाया है। इस अवसर पर युवक मंडल के हरीश शर्मा, मनोज, पंकज, तिलक के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हमारे गांव के पूर्वजों द्वारा 1928 से शुरू किया गया था। उसमें क्या होता था कि गांव के लोग मेला देखने आते थे और यहां पे लोग पानी को पैसों से बेचते थे। तब हमारे गांव के पूर्वज जब यहां पर आए मेला देखने, उन्होंने देखा जो उनके साथ छोटे बच्चे थे, हमारे पूर्वज थे, वो जब उन्होंने पानी की मांग की, उन्होंने देखा कि लोग पैसों से पानी बेच रहे। उस टाइम पैसा भी कम होता था और पूर्वजों ने ये सोचा कि अगले वर्ष से हम 1927 में उन्होंने सोचा और 1928 से हमारे पूर्वजों ने छबील लगाना यहाँ पे पानी की शुरू की। उसके बाद लगातार ये 1928 से चलता रहा है। इस वर्ष 91 भंडारा हमने लगाया। पूरे गांव वासियों के, पूरे इलाका वासियों के सहयोग से हम यहाँ पे भंडारे में छबील का आयोजन करते हैं। छबील, मीठे पानी की छबील और साथ में चने और साथ में खीर का भंडारा लगाया है यहाँ पे, जिसका की काफी जनता देख रही है, काफी जनता लुत्फ उठा रही है।